क्या 5000 साल पहले ही मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो गई थी? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिव्य अवतार हैं? और आखिर कैसे हिमालय की वादियों में मोदी जी की मुलाकात एक ऐसे बाबा से हुई जो मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं? और मोदी जी को ऐसा क्या कहा गया कि उन्होंने ईश्वर को पाने की अपनी तपस्या छोड़कर सांसारिक जीवन में वापस से प्रवेश किया? आखिर क्या है मोदी जी के जीवन का सच? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। एक बार की बात है, जब एक छोटे से गांव में साधारण व्यक्ति के मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा उठी। लंबे समय से वो एक बाबा के बारे में सुन रहा था। उसने सोचा कि वो उस बाबा से ज्ञान प्राप्त करेगा, जिसके बाद वह बाबा के पास जाकर कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। लेकिन बाबा ने ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की लालसा और ज्यादा बढ़ गई। और फिर उसने बाबा के मना करने पर यह कहा कि अगर उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो वो पहाड़ से कूद जाएगा। बगल में ही बाबा जी के कुछ और शिष्य बैठे हुए थे, जो व्यक्ति की बात सुनकर घबरा गए। लेकिन बाबा ने कहा, ठीक है, तुम कूद जाओ। यह सुनते ही उस व्यक्ति ने तुरंत पहाड़ से छलांग लगा दी और वहां बैठे हर एक शिष्य के होश उड़ गए। वो सभी डर से कांपने लगे। बाबा जी ने सभी शिष्यों को उस व्यक्ति का शव लेने के लिए भेजा। जब शिष्य शव को ऊपर लाए तो शरीर तितर बितर हो चुका था। फिर बाबा ने उसे व्यक्ति के शरीर पर हाथ फेरा और उसके बाद जो हुआ उसे देख हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि जैसे ही बाबा ने व्यक्ति के मृत शरीर को छुआ वो जीवित हो उठा। व्यक्ति को जीवित करने के बाद बाबा ने कहा, यह तुम्हारी परीक्षा थी, आज से तुम मेरे शिष्य बनते हो। दोस्तों, ये बाबा कोई और नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रचलित महाअवतार बाबा जी थे, जिन्हें एक कल्प यानी 5000 वर्षों तक जीवित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और दोस्तों, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि महाअवतार बाबा जी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भी गुरु रहे। ये तब की बात है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने की राह पर मात्र 17 साल की उम्र में हिमालय की वादियों में निकल गए थे। बचपन से ही दिल में देश प्रेम की भावना लिए समाज सेवा करने वाले नरेंद्र मोदी सन्यासी बनने के लिए न सिर्फ हिमालय की वादियों में पहुंचे, बल्कि उन्होंने कई सालों तक वहां पर कठिन तपस्या भी करी। और अपनी इसी तपस्या के दौरान मोदी जी की मुलाकात महाअवतार बाबा जी से हुई और बाबा जी का आशीर्वाद मिलते ही मोदी जी सन्यासी जीवन में लीन हो गए, जहां वो संसार के छुपे हुए रहस्यों के बारे में और गहराई से जानना चाहते थे। मोदी जी के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की एक अलग ही ललक थी। महाअवतार बाबा की शरण मिलते ही मोदी जी ने हिमालय में बसने का फैसला कर लिया। लेकिन बाबा मोदी जी के इस तरह सन्यासी जीवन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने मोदी जी को दर्शन दिए और उनसे कहा कि तुम अपनी तपस्या का यहीं पर विराम करो, क्योंकि तुम्हारा जन्म एक सन्यासी बनकर रहने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें तो सनातन धर्म को विश्व पटल पर मजबूत बनाना है। तुम्हें भारतवर्ष को विश्व में सबसे आगे पहुंचाना है, जिसके लिए तुम्हें सांसारिक जीवन में जाना होगा, लोगों के बीच रहकर समाज को आगे बढ़ाना होगा। महाअवतार बाबा का आदेश मिलते ही नरेंद्र मोदी हिमालय की वादियों से वापस लौटे और धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में तरक्की हासिल करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि बाबा का आशीर्वाद होने की वजह से ही भाजपा ने नरेंद्र मोदी को साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया और उसके बाद मोदी जी ने प्रचंड जीत हासिल करी। तब से लेकर अब तक मोदी जी लगातार देश के लिए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल का तो कहना है कि 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एक कल्प जीवन आयु का वरदान प्राप्त कर चुके महाअवतार बाबा का हाथ है। भला मोदी जी को कौन पराजित कर सकता है? बाबा के कहे अनुसार मोदी जी आज न सिर्फ भारत को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि सनातन धर्म को विश्व स्तर पर प्रचलित करने का कार्य भी कर रहे हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसके कई सारे प्रमाण भी आज देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप राम मंदिर को ही ले लीजिए, जिसका इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन बीते 500 सालों से प्रभु श्री राम को अपनी भूमि पर विराजमान होने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे थे और एक लंबा इंतजार करना पड़ा। लेकिन 2014 में मोदी जी ने सत्ता में आते ही राम मंदिर बनाने की शपथ ली और फिर 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन तो आपको याद ही होगा, जब मोदी जी के प्रयासों की वजह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजमान हुए। और भला हम योग दिवस को कैसे भूल सकते हैं? वैसे तो योग सदियों से किया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रयास किया और आज दुनिया भर में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर उज्जैन में, महाकाल कॉरिडोर और वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर भी बनने जा रहा है। इसी तरह विंध्याचल कॉरिडोर का निर्माण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही सफल हो पाया है। पर ये सब कुछ इसलिए भी हो पाया है
क्योंकि नरेंद्र मोदी के ऊपर महाअवतार बाबा जी का आशीर्वाद है। कहते हैं कि महाअवतार बाबा ने पूरी दुनिया के लिए एक योजना तैयार कर रखी है, परंतु ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ही साकार होगी। दोस्तों, आपको वो दौर तो याद ही होगा जब विदेशी धरती पर हिंदुओं का अपमान होता था, सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज महाअवतार बाबा के आशीर्वाद के कारण ही मोदी जी दुनिया भर में इतनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं कि लोग आज न केवल मोदी जी से बल्कि भारत और भारत की संस्कृति के साथ जुड़ रहे हैं, सनातन धर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और कई सारे लोग तो सनातन धर्म को अपनाने के लिए अपना देश छोड़कर भारत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यूरोपीय देशों में तो सनातन की एक अलग ही छाप देखने को मिलती है, और जिन मुस्लिम देशों में कभी हिंदुओं के नाम से ही नफरत फैल जाती थी, वहीं आज उन्हीं देशों में हिंदू मंदिर बनाए जा रहे हैं। और ये सब कुछ वाकई में किसी चमत्कार जैसा ही है, जहां संसार में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महाअवतार बाबा ने स्वयं मोदी जी को चुना है, जिन्हें हराना या फिर उनका सामना करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तभी तो 2024 के बाद मोदी जी के सत्ता से हट जाने या फिर उनका ये आखिरी साल होने का सपना देख रहे लोगों को समय रहते ही यह समझ लेना चाहिए कि मोदी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है जिन्हें कोई भी कभी भी हटा देगा, बल्कि उन्हें समस्त मानव जाति का उद्धार करने के लिए बनाया गया है, और वो तब तक अपने कार्यों में लगे रहेंगे जब तक वो इसमें सफल नहीं हो जाते। दोस्तों, महाअवतार बाबा जी को महामुनि महाबाबा या फिर शिव बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इनका जिक्र हमें सटीक तौर पर परमहंस योगानंद की ऑटोबायोग्राफी का योगी में देखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो ये किताब उसे हर तरह से मदद करती है, जिसमें पता चलता है कि परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर थे, और युक्तेश्वर जी के गुरु लहरी महाशय थे, और लहरी महाशय के गुरु कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी थे। इस पुस्तक के जरिए हमें पता चलता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को योग क्रिया का ज्ञान देने वाले महान पुरुष कोई और नहीं बल्कि महाअवतार बाबा जी ही थे। इन्होंने ही संत कबीर दास को क्रिया योग में दीक्षित किया। दोस्तों, माना जाता है कि आज भी महाअवतार बाबा हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन है और अपने शिष्यों को समय समय पर दर्शन देते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि महाअवतार बाबा जी ने 19वीं शताब्दी में लहरी महाशय को दर्शन दिए थे। लहरी महाशय के बाद उनके शिष्य युक्तेश्वर गिरी को बाबा के दर्शन हुए, और ये तब हुआ था जब युक्तेश्वर गिरी कुंभ मेले में पहुंचे थे। इस मेले में युक्तेश्वर गिरी को महाकाल बाबा ने दर्शन दिए। कहा जाता है कि इस दौरान कई अन्य लोगों को भी महाअवतार बाबा के दर्शन हुए थे, और उस वक्त लोगों ने बाबा की आयु मात्र 20 से 30 वर्ष के आसपास बताई थी, लेकिन महानुभावों के अनुसार उस समय पर बाबा थे ही नहीं। इसका ये अर्थ है कि महाअवतार बाबा के शिष्यों को जब कभी भी उनकी जरूरत होती है वो दर्शन देने के लिए पहुंच जाते हैं, और फिर बाबा अपने शिष्यों को भूत वर्तमान और भविष्य की घटनाओं का बोध कराते हैं। वो एक दिव्य संत हैं जिनके पास मृत व्यक्ति तक को जीवित करने की शक्तियां मौजूद हैं। महाअवतार बाबा आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या में लीन है। पर अगर अभी भी आपको महाअवतार बाबा के अस्तित्व पर संदेह है तो दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार और लोगों के भगवान कहे जाने वाले रजनीकांत जी भी बाबा के परम भक्त हैं, और इसीलिए रजनीकांत ने साल 2022 में बाबा नाम की एक फिल्म भी बनाई थी। इस फिल्म को रजनीकांत ने खुद लिखा था, और आप देखिए, ना बाबा का ही आशीर्वाद है कि रजनीकांत न केवल साउथ में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी अदाकारी की वजह से मशहूर हैं। लोग तो इन्हें भगवान तक का दर्जा देते हैं, और इनके मंदिर भी बनाए गए हैं। एक तरफ जहां बाबा ने रजनीकांत को अपने आशीर्वाद से इतना ऊपर उठा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी जी आज भी बाबा का आशीर्वाद लेकर सनातन धर्म और भारत वर्ष को लगातार बुलंदियों पर पहुंचा रहे हैं। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि आज मोदी जी की वजह से दुनिया भर में सनातन धर्म को जो पहचान मिल रही है वो कभी नहीं थी, और इसके पीछे नाम भले ही मोदी जी का है लेकिन जो आशीर्वाद और संकल्प है वो महाअवतार बाबा का है। तो दोस्तों, ये थी मोदी जी के गुरु महाअवतार बाबा की असली कहानी, जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।